हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निट विद मी में। आज देखिए, मैं आपके साथ इस टू कलर के ब्यूटीफुल पैटर्न की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन देखिए हमारा बहुत प्यारा, देखिए जाली वाला पैटर्न है और बहुत सुंदर है, बहुत आसान भी है बनाने में। सिर्फ 4 रो का ये हमारा पैटर्न है, जिसमें देखिए 2 रो तो एक रो सीधी और एक उल्टी ही डलती है। सिर्फ 2 रो में डिज़ाइन डलता है ऐसे। इसके लिए हमने क्या करना है, 4-4 के मल्टीपल से फंदे डालते जाना है। और हमने देखिए एक फंदा पैटर्न को सेट करने के लिए और 2 फंदे स्टिच के, 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा ले लेने हैं। 4-4 के मल्टीपल से फंदे डालेंगे, 3 फंदे हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सिलाई में मैंने फंदे डाल लिए हैं। फंदे डालने के पहले आपने नीचे बॉर्डर बना लेना है, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। बॉर्डर बनाने के बाद हमने पैटर्न को स्टार्ट करना है। और इस डिज़ाइन को आप देखिए बच्चों के कार्डिगन में, जेंट्स में, लेडीज़ में और सिंगल और डबल दोनों कलर में डाल सकते हैं। ये दोनों कलर में मतलब कि बन जाएगा, सिंगल में भी अगर डबल लगाना चाहो, डबल में भी, मल्टी में भी, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट रो हमारी सीधी तरफ से, फर्स्ट फंदे को हमने उतारा, उसके बाद एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। यहाँ पर हमने जाली डाल ली, ये 3 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि फिर से हमने यहाँ पर जाली डालनी है। ये 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, यहाँ पर जाली डाली, धागा फिर से अपनी तरफ, देखिए ये फंदा सीधा बनाएंगे और यहाँ पर हमने जाली डाल ली, ये 3 फंदे सीधे हो गए। धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा सीधा, यहाँ पर जाली डाल ली, धागा फिर से अपनी तरफ करते हुए ये 3 फंदे सीधे। लास्ट में देखिए धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, ये स्टिच का फंदा सीधा। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि हमने किया क्या है। देखिए पहले फर्स्ट फंदे को उतारा, फिर एक फंदा हमने सीधा बना लिया। यहाँ पर जाली डालते हुए हमने 3 फंदे सीधे बनाए। अब इस फंदे के दोनों तरफ हमने जाली डाली है, देखिए इस फंदे के दोनों तरफ जाली डाली, ये 3 फंदे सीधे। फिर से हमने इस फंदे के दोनों तरफ जाली डाली, 3 फंदे सीधे। फिर से इस फंदे के दोनों तरफ जाली डाली, ये 3 फंदे सीधे। और लास्ट में ये हमने जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा बनाया और ये लास्ट स्टिच का फंदा सीधा। अब आपको समझ आ गया होगा ना कि हमने क्या किया है। अब उल्टी तरफ से देखिए, उल्टी तरफ से हमारी सेकंड रो, फर्स्ट फंदे को पहले उतार लेंगे, फिर 1 फंदा हम उल्टा बना लेंगे ऐसे। ये फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये जाली वाला फंदा जिसे हम सीधा बना लेंगे ऐसे। अब इन 3 फंदों को देखिए, इन 3 फंदों को आगे से देखिए ऐसे सिलाई डालते हुए हमने यहाँ पर 3 का 1 कर दिया ऐसे। 3 का 1 करने के बाद इस जाली वाले फंदे को फिर से सीधा बनाएंगे। अब ये वाला फंदा हमने धागा अपनी तरफ करते हुए उल्टा बना लेना है। देखिए इस फंदे के दोनों तरफ हमारी जाली डली हुई है ना, इधर भी इधर भी, इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। अब धागा फिर से दूसरी तरफ करेंगे, ये 1 फंदा हमारा सीधा। अब इन 3 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए हमने देखिए यहाँ से आगे से सिलाई डालेंगे और 3 का 1 कर देंगे ऐसे। 3 का 1 करने के बाद इस जाली वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 1 फंदा उल्टा। अब फिर से धागा दूसरी तरफ इस जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। अब ये 1, 2, 3 फंदे अब तीनों को देखिए एक साथ बना देंगे, एक रह गया फंदा, 3 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ इस जाली वाले फंदे को, सॉरी धागा दूसरी तरफ ही रखेंगे, इस जाली वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ, ये 1 फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे, जाली वाले फंदे को पहले सीधा बना लेंगे। अब 1, 2 और ये 3, इन 3 फंदों को आगे से देखिए ऐसे सिलाई डालूंगी, ऐसे
और यहाँ पर कर दूंगी 3 का 1। अब एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ करते हुए ये उल्टा फंदा, एस स्टिच का फंदा भी उल्टा बना लेंगे ऐसे। सीधी तरफ से देखिए ये हमारा ऐसे बन के आएगा। अब हमने देखिए क्या करना है, ये पूरी रो सीधी बना लेनी है, कहीं पर भी जाली नहीं डालनी है, कुछ नहीं करना है, ये पूरी रो हमने ऐसे ही देखिए सीधी सीधी बना लेनी है, पूरी रो सीधी सीधी बना लेंगे। एक रो सीधी बनाने के बाद अब यहाँ पर फोर्थ रो देखिए ये हमारी पूरी उल्टी आएगी। फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, अब ये पूरी रो हम उल्टी उल्टी बना लेंगे ऐसे। अब आपने देखिए फिर से इन्हीं 4 रो को रिपीट करना है, और इन्हीं 4 रो को रिपीट करेंगे। धागा देखिए हमने दूसरा लगाया, धागा दूसरा लगाने के बाद यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट फंदे को हम बना लेंगे। देखिए धागा दूसरा लगाया है ना, उसके बाद देखिए एक फंदा ये सीधा ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 1, 2, 3 फंदे सीधे, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है ना बिल्कुल वैसे ही। धागा फिर अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे के दोनों तरफ हम जाली डालेंगे। धागा फिर से अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधा फंदा जाली डाली, धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1, 2, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। लास्ट में देखिए आपने ये फंदा सीधा बनाना है, यहाँ पर जाली डालनी है, ये भी एक फंदा सीधा ऐसे। और उल्टी तरफ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, चलिए इस फर्स्ट फंदे को उतारा, उसके बाद एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए ये एक फंदा सीधा, अब 1, 2, ये 3। अब इन तीनों फंदों को ऐसे सिलाई डालते हुए हमने तीन का एक कर देना है सीधे में। अब ये जाली वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर फिर से आगे से सिलाई डालेंगे इन 3 फंदों में, और यहाँ पर कर देंगे 3 का 1। ऐसे फिर इस जाली वाले फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर फिर से हमने 3 का 1 करना है, यहाँ से सिलाई डालते हुए आगे से 3 का 1 कर देंगे। जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, अब फिर से 3 का 1 करेंगे ऐसे। ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे हमारे उल्टे, और इसके बाद पूरी रो एक सीधी आएगी और एक उल्टी आएगी ऐसे। देखिए डिजाइन ना बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर देखिए ये डिजाइन है, हर एक कलर में बहुत प्यारा ये लग रहा है। आप इसे लेडीज कार्डिगन जैकेट में भी डालोगे तो बहुत सुंदर बन के आ रहा है देखिए ऐसे।
तो अगर आपको ये मेरी क्रिएटिविटी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, बताने का ढंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।